सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों रिसेंटली सैमसंग ने इंडिया में लॉन्च किया अपना गैलेक्सी ए सीरीज का एक और फोन जो कि यहाँ पर दोस्तों ये है मेरे पास में सैमसंग गैलेक्सी A70। तो आज दोस्तों आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसी नए A70 के बारे में। करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते कैसा है ये फोन, क्या है कुछ खास नए फीचर्स इसी नए ब्रांड न्यू A70 के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है यहाँ पे हमारे पास में गैलेक्सी A70 का बॉक्स सैमसंग के नए डिजाइन स्टाइल के साथ में। और यहाँ पे दोस्तों बॉक्स के पीछे मेंशन है कुछ मेन हाइलाइट्स, जहाँ पे जिक्र है इन्फिनिटी यू डिस्प्ले का, ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर का, साथ में सुपर फास्ट चार्जिंग का। यहाँ पे दोस्तों कुछ और स्पेसिफिकेशंस भी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे वीडियो में आगे चल के। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो बॉक्स पे मेंशन है 30,900 रुपये, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो एग्जैक्ट प्राइसिंग है वो है 28,990 रुपये। तो यहाँ पे दोस्तों बॉक्स को ओपन करते हैं और यहाँ पे लिड मुझे लगी है भारी, जिससे मालूम चलता है कि दोस्तों यहां पे नीचे एक सेक्शन है इसी लिड के नीचे, जहां हमको मिलेगा कुछ यूजुअल सामान, जहां पर दोस्तों ये है क्विक स्टार्ट गाइड, रीजनल लॉक गाइड और वारंटी कार्ड। और यहां पर दोस्तों साथ में है ये केस फोन की सुरक्षा को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं नीचे, तो यहां पर यह रखा है ब्लैक कलर में ब्रांड न्यू सैमसंग गैलेक्सी A70 फोन। बात दोस्तों करते हैं इसके बारे में बाद में, देखते नीचे क्या मिलता है। तो यहां पर सबसे पहले ये है हमारे पास में USB C2C स्टाइल केबल चार्जिंग और डेटा सिंकिंग के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहां पे नीचे ये है इन ईयर स्टाइल ईयरफोन्स सैमसंग की तरफ से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये है खास चीज जो कि है दोस्तों सुपर फास्ट चार्जिंग वाले ब्रिक, जहां पर दोस्तों जो आउटपुट है इसका वो है 11 वोल्ट 2.25 एम्पीयर्स तक, बोले तो 25 वॉट का दोस्तों मिल जाएगा आपको आउटपुट इसी USB C पोर्ट के जरिए फोन को चार्ज करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों नीचे छुप के बैठा है छोटा सा सिम इजेक्टर टूल। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बात करते हैं इसी फोन के बारे में, एक बार हटाता हूं इसी प्रोटेक्शन को और दोस्तों देखते हैं कैसा है ये फोन। तो यहां पे ये है दोस्तों फिलहाल ब्लैक कलर में, जहां पे आपको पीछे दोस्तों ये पैटर्न जो है वो देखने को मिलेगा, फिर चाहे आप कोई सा भी कलर लें, ब्लैक, ब्लू या व्हाइट। और मैं एक बार इसको जल्दी दोस्तों बूट करते हुए बात करता हूं फोन के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो यहां पर दोस्तों जो राइट साइड है वो आपको देता है ये पावर लॉक अनलॉक बटन, जिसके ठीक ऊपर है वॉल्यूम रॉकर। फोन दोस्तों ऊपर की तरफ में है यहां पे सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए। यहां पर लेफ्ट साइड है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल क्लीन है एक्सेप्ट इस सिम ट्रे के, जिसको एक बार हम जल्दी से चेक करते हैं। और मेरे ख्याल से यहां पे भी हमको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट मिलना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये है एक ट्रिपल स्लॉट डिजाइन जहां पे आप लगा पाएंगे डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड इसकी 128 GB स्टोरेज को एक्सपैंड करने के लिए। बात दोस्तों करते हैं नीचे की तरफ, तो यहां पे है ये हेडफोन जैक, USB C पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और साथ में है स्पीकर ग्रिल। यहां पर दोस्तों फोन में पीछे की तरफ आपको मिल जाती है सैमसंग की ब्रांडिंग, थोड़ी एक अगर आप देखेंगे स्पेसिफिक एंगल पे तो नजर आएगी, कभी कभी नजर नहीं भी आती है। और यहां पर दोस्तों ये है इसका एक इंटरेस्टिंग सा रियर कैमरा सेटअप, जहां पे जो प्राइमरी कैमरा है वो है 32 मेगापिक्सल का f1.7 एपर्चर के साथ में, साथ में दोस्तों 8 मेगापिक्सल का कैमरा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में, और यहां पे दोस्तों 5 मेगापिक्सल का कैमरा डेप्थ सेंसिंग के लिए, साथ में LED फ्लैश। तो मैं यहां पे जल्दी से दोस्तों करता हूं सेट, फिर हम बात करते हैं फोन के बारे में और डिटेल्स के साथ में। यहां पे दोस्तों ये हो गया है फोन का सेटअप कंप्लीट। और जो पहली चीज दोस्तों आप देखेंगे सबसे मेजर हाईलाइट के साथ में, वो है इसका 6.7 इंच का ये फुल HD+ डिस्प्ले सुपर AMOLED स्क्रीन टाइप के साथ में, भी दोस्तों बहुत ज्यादा आपको वाइब्रेंट और पंची कलर्स देगा। इनफैक्ट दोस्तों यहां पे अगर आप बात करते हैं बेजल्स की, तो वो भी मुझे काफी कम देखने को मिल रही हैं। और जो यहां पे दोस्तों चिन है वो भी कंपैरेटिवली काफी छोटी है अगर आप करते हैं कंपेयर बाकी फोन्स के साथ में। और यहां पे दोस्तों ऊपर की तरफ है ये सैमसंग का इन्फिनिटी यू कट डिजाइन, जिसमें आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा और इसके ऊपर है पतले से कटआउट के साथ में ईयरपीस। तो यहां पर दोस्तों ये है कुछ ऐसा फोन। और अब अगर हम बात करें कुछ और डिटेल्स की, तो ये आता है स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर के साथ में, जहां पे है एड्रीनो 612 GPU। और यहां पर दोस्तों 4500 mAh की बैटरी है सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ में, तो ये एक काफी अच्छी बात है। इनफैक्ट दोस्तों यहां पे सपोर्ट है फुल फ्लेज्ड सैमसंग पे का, तो वो भी एक अच्छी
बात है जहां पर दोस्तों आप बिल्कुल मतलब एकदम जैसे करते हैं किसी फ्लैगशिप फोन के साथ में पेमेंट्स, वैसे ही आप कर पाएंगे इसी गैलेक्सी A70 के साथ में। बात दोस्तों करते हैं अगर जाके देखते हैं सेटिंग्स में कुछ और डिटेल्स इसी फोन को लेके, जाते हैं दोस्तों अबाउट फोन में सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में, तो मालूम चलता है कि दोस्तों यहां पे ये चल रहा है फिलहाल एंड्रॉइड 9 पाई पे, जहां पर दोस्तों आपको मिल जाता है सिक्योरिटी अपडेट मार्च के महीने का, और यहां पर दोस्तों ये काम कर रहा है सैमसंग के वन यूआई वर्जन 1.1 पे। तो जो आपको दोस्तों यूआई मिल रहा है वो काफी अच्छा है, जहां पे आप जो है वो काफी आराम से दोस्तों नेविगेट कर पाएंगे और काफी स्नैपी सा फील होता है। मैं यहां पर दोस्तों एक बार जल्दी से इसका पहले कैमरा ट्राई करता हूं, देखते हैं कि इसका कैमरा कैसा है, बिकॉज जो कैमरा है वो है एक मेन हाईलाइट, और मैं यहां पर लेता हूं पहले एक सेल्फी। ये मैंने क्लिक किया दोस्तों एक फोटो, और अगर आप देखेंगे तो जो डिटेल्स है वो मुझे डेफिनेटली दोस्तों काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है इसी 32 मेगापिक्सल की सेल्फी में। जहां पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं रियर कैमरा की, तो यहां पे ये आपको मिलता है एक स्टैंडर्ड व्यू, आप दोस्तों एक बटन दबाइए और यहां पे ये आ जाएगा इसी अल्ट्रा वाइड एंगल व्यू के साथ में। बाकी दोस्तों बात करें कैमरा मोड्स की, तो आपको यहां पे बहुत सारे मोड मिल जाते हैं दोस्तों। पैनोरमा प्रो लाइव फोकस का ऑप्शन है, फोटो हो गया है, वीडियो हो गया है, जहां पे आप 4K वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ में दोस्तों सुपर स्लो मोशन और स्लो मोशन दोनों ही आपको मोड्स मिल जाते हैं हाइपरलैप्स के साथ में, तो ये एक अच्छी बात है। फिलहाल दोस्तों खैर मैं कुछ शेयर कर रहा हूं आपसे कैमरा सैंपल्स स्क्रीन पे, जो मैंने क्लिक किए हैं फ्रंट और रियर कैमरा से इसी गैलेक्सी A70 के साथ में, और मेरे ख्याल से दोस्तों जो कैमरा क्वालिटी है वो मुझे तो खैर काफी अच्छी लग रही है फिलहाल, जो मैं सैंपल्स खुद भी सामने देख पा रहा हूं स्क्रीन पे एडिटिंग के दौरान। तो यहां पे ये है दोस्तों इसका कैमरा, जो कि एक मेन हाईलाइट है। अब यहां दोस्तों एक बार मैं जल्दी से चेक करता हूं इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक को, तो यहां पे मैंने इसको लॉक किया और फिलहाल मैं इसकी तरफ नहीं देख रहा हूं। जैसे दोस्तों मैं इसकी तरफ देखता हूं तो यहां पे ये हो जाता है अनलॉक, आपको हालांकि एक लॉक स्क्रीन मिलता है एक झलक के लिए, लेकिन दोस्तों उसके बाद में आप जो है वो सीधा पहुंच जाते हैं फोन के अंदर फेस अनलॉक के थ्रू। और बात दोस्तों करते हैं अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो यहां पे आपको दोस्तों मिलता है ऑप्शन इस जगह पे फिंगर को लगाने का, जैसे ही आप लगाते हैं तो यहां पे दोस्तों ये हो जाता है अनलॉक। मेरे ख्याल से थोड़ा सा मेरे को बेटर लग रहा है दोस्तों यहां पे जो गैलेक्सी A50 में था फिंगरप्रिंट स्कैनर, उससे मुझे थोड़ा फास्ट लग रहा है, जहां पे आप इस पे टच करेंगे अपनी उंगली को तो यहां पे दोस्तों हो जाएगा ये आपका फोन अनलॉक। तो यहां पे दोस्तों ये है कंप्लीट डिटेल्स इसी गैलेक्सी A70 की। फोन मेरे ख्याल से दोस्तों काफी कमाल मुझे लग रहा है, ऐसे में जो दोस्तों खासकर से डिस्प्ले है 6.7 इंचेस का, वो आपको हाथ में इतना बड़ा फील नहीं हो रहा है, बिकॉज जो बेजल्स हैं वो एकदम मिनिमम सी हैं। इसके अलावा स्नैपड्रैगन 675 है, तो दोस्तों आपको प्रोसेसर के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। साथ में आपको मिल जाता है ऑप्शन फुल फ्लेज्ड सैमसंग पे का, तो वो भी एक काफी अच्छी बात है, मतलब यहां पे MST का सपोर्ट है, तो आप दोस्तों टैप करके अपने पेमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। वाइड बैंड 11 का सपोर्ट भी अवेलेबल है, तो नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम वीडियो वगैरह आप बड़े आराम से HD में एंजॉय कर पाएंगे। और जो बैटरी और चार्जिंग टेक्नोलॉजी है मुझे वो भी दोस्तों काफी पसंद आई है। अब यहां पर दोस्तों ये फोन जो है फिलहाल चल रहा है प्री बुकिंग के दौरान, जहां पे आप इसको 30 अप्रैल तक प्री बुक कर सकते हैं, और अगर आप करते हैं ऐसा तो दोस्तों आपको मिल जाता है यहां पे सैमसंग का U-Flex जो ब्लूटूथ ईयरफोन है वो सिर्फ 999 रुपए की कीमत पर, जिसकी नॉर्मल प्राइस है 3799 रुपीज। और बाकी दोस्तों 1 मई से ये होने वाला है अवेलेबल रिटेल मार्केट में सैमसंग ई स्टोर या सैमसंग ओपरा हाउस वगैरह में। तो यहां पर दोस्तों ये है सैमसंग गैलेक्सी A70 का एक फर्स्ट लुक, जहां पे कैमरा मेन हाईलाइट है, स्क्रीन मेन हाईलाइट है, और दोस्तों जो डिजाइन है वो पीछे से आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ऐसा अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेगा, तो वो काफी इस फोन को यूनिक बनाता है। और बाकी खैर आप दोस्तों मुझे बताइए नीचे कॉमेंट्स में कि आपको ये फोन कैसा लगा और आपका क्या है कहना इसी सैमसंग गैलेक्सी A70 के लिए, नीचे कॉमेंट्स में क्या है मन की बात दोस्तों लिख के डाल दीजिए, और साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।